मिथिलांचल का प्रसिद्ध ऑर्थो एंड स्पाइन सेंटर, जहां हड्डी एवं नस के इलाज के साथ कूल्हे और जोड़ का होता है रिप्लेसमेंट, वो भी आधुनिक मशीनों के साथ। अब जीवन से निराश होने की जरूरत नहीं, मात्र एक घंटे में सफल ऑपरेशन के साथ आप चलना फिरना और दैनिक काम कर सकते हैं। तो अवश्य मिले डॉक्टर अमित कुमार, ऑर्थोपेडिक सर्जन, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन पारस और वरिष्ठ रेजिडेंट हड्डी रोग विभाग DMCH। दुर्घटना से घायल हाथ पांव और शरीर के घायल अंग का सफल ऑपरेशन के लिए मिले डॉक्टर अमित कुमार, अरलपट्टी दोनार रोड, अरलपट्टी मछली हाट के नजदीक, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने। जदयू के वरिष्ठ नेता मोहम्मद अली अशरफ फातिमी ने GTV पर चले एक खबर का खंडन करते हुए कहा कि वो गलत खबर है। दरभंगा पुलिस ने एक महिला और पुरुष को ठगी के मामले में किया गिरफ्तार, पुलिस की थी तलाश। अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम के निष्पादन को लेकर मुख्य सचिव ने की बैठक। दरभंगा सांसद की अध्यक्षता में हुई जिला विकास समन्वय व अनुश्रवण समिति की दूसरे दिन की बैठक आयोजित। चुनाव प्रशिक्षण केंद्र +2 जिला स्कूल लहरिया सराय में सैकड़ों चुनाव कर्मियों का प्रशिक्षण 2 शिफ्ट में हुआ प्रारंभ। दरभंगा SSP के कार्यालय में लगे जनता दरबार में 45 फरियादियों ने लगाई गुहार। चौवालीस अभ्यर्थियों ने नामजदगी का पर्चा भरा। दरभंगा के सांसद की अध्यक्षता में हुई दिशा की बैठक। दरभंगा सांसद ने एक्सप्रेस ट्रेनों का लहरिया साई रेलवे स्टेशन पर ठहराव की मांग। श्यामा मंदिर में श्यामा थाली भोजन एवं अन्न प्रसाद निशुल्क का हुआ शुभारंभ। निःशुल्क जांच शिविर का किया गया आयोजन। दरभंगा के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता मोहम्मद अली अशरफ फातिमी ने आज एक बयान जारी करते हुए कहा कि उन पर एक खबर GTV में चली है जिसका कोई सिर और पैर नहीं है। उन्होंने कहा कि पटना में बैठकर खबर बनाई गई है। इस खबर को अगर सही तरीके से देखा जाता तो जितनी भीड़ यहाँ जुटी हुई थी वो भीड़ एक आश्चर्यचकित करने वाला ऐतिहासिक था। उन्होंने ये भी कहा कि उनके लालू यादव तेजस्वी यादव के साथ अच्छे रिश्ते हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार को भी उन्होंने जनता दल यूनाइटेड का एक नेता बताया। और उसका फुटेज भी देखा मैंने। बड़े अफसोस की बात है कि GTV वाले एक ऐसे न्यूज को चला रहे हैं जिसका न कोई सर है न पैर। आपको मैं कह देना चाहता हूँ GTV वालों को कि जो भी कार्यक्रम हुआ, जो सम्मेलन था या स्वागत था, वो कामयाब हुआ और हिस्टोरिकल हुआ। अगर आप होते वहाँ और ईमानदारी से न्यूज कवर कर रहे होते तो मेरा जितना हम लोगों का इंतजाम था उससे दोगुना लोग वहाँ पर आए थे। आप मनगढ़ंत स्टोरी पटना में बैठ के चलाइएगा तो मेरा कोई नुकसान नहीं है, आपके अपने GTV का नुकसान है। पता नहीं कहाँ कहाँ से आप ले आते हैं। इनडिसिप्लिन की वजह से वो पार्टी से निकले थे। कौन सा इनडिसिप्लिन, निकालिए कहीं पर। और जितने अच्छे तालुकात हमारे आज लालू जी से हैं या तेजस्वी से हैं वो जग जाहिर है, दुनिया जानती है। नीतीश कुमार जी जनता दल यू के वाहिद लीडर हैं और आज तो महागठबंधन के लीडर हैं बिहार के अंदर।
दरभंगा डीएसपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि स्वर्ण इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक संस्था जो लोन देती थी, ये बिहार के कई जिलों में इनके कार्यालय खुले थे। 2009 में दरभंगा में खुले थे। यहाँ काफ़ी लोगों को से इन्होंने पैसे लिए और जब पैसा वापस करने की बात हुई तो सभी कार्यालयों को बंद कर फरार हो गए थे। बाद में एफआईआर दर्ज की गई थी। इन लोगों के लिए छापेमारी जारी थी। इसी क्रम में एक महिला एक पुरुष को गिरफ्तार किया गया। इनके विवाद से कई कागजात भी बरामद हुए हैं। पुलिस पूछताछ कर रही है। ये स्वर्ण इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी थी जो फाइनेंशियल फ्रॉड करती थी, लोगों को ठगती थी, इन्वेस्टर्स कराती थी। नेपाली के नाम पर इनके कार्यालय बिहार जिले में कई जगह थे बिहार में, बेतिया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा में इनका कार्यालय जो है, ऑफिस 2009 से ही राजकुमारगंज नगर थाना के अंतर्गत चल रहा था। जब इन्होंने फाइनेंशियल फ्रॉड्स ज़्यादा कर दिए, जो एजेंट थे वो पैसा वापस मांगने लगे, तो कुछ शक हुआ, कुछ जानकारी प्राप्त हुई इनके बारे में, तो इन्होंने रातों रात अपने बिहार राज्य व्यवस्थित सारे कार्यालयों को बंद करके इन्होंने दिल्ली में बना लिया। देखिए बिल्कुल, ये NBFC जो ऑपरेट करते हैं, इनके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी मोडस ऑपरेंडी है। स्पेसिफिकली ये लोग क्या करते थे ये भी पूछना चाहिए। खाता खुलवाते थे क्या लोकल जो अपनी कंपनी में खाता खुलवाते थे? अभी कितने की संख्या में गिरफ्तारी हुई है सर? अभी दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कुछ गिरफ्तारियां पहले हुई हैं 2020 में। दोनों का क्या नाम है? सोनू कुमार चौधरी और सुनीता चौधरी गिरफ्तार हुए हैं, जो दोनों मुजफ्फरपुर से हैं। दोनों का क्या संबंध है? दोनों का संबंध देवर भाभी का है और दोनों की कई सारे अन्य आपराधिक कांडों में संलिप्त रही है, मुजफ्फरपुर में, पश्चिम चंपारण में और दरभंगा में। डायरेक्टर अनिल कुमार चौधरी इनके पति डायरेक्टर हैं, सुनीता चौधरी गिरफ्तार हुई है, इनके पति अनिल कुमार चौधरी फरार हैं, अभी फरार हैं। कितने की संख्या में लोग हैं इन गिरोह के सदस्य? लोग दो अभी गिरफ्तार हुए हैं, पहले गिरफ्तार हुए थे, विशेष पूछताछ की जाए। अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम के निष्पादन को लेकर मुख्य सचिव बिहार आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी पुलिस महानिरीक्षक, उप पुलिस महानिरीक्षक, जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को विभिन्न जिलों से प्राप्त आवेदन पर मुआवजा भुगतान एवं कृत कार्रवाई की समीक्षा की गई, साथ ही विभिन्न जिले से आयोग को भेजे गए प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में सांसद दरभंगा की अध्यक्षता में दिशा जिला विकास समन्वय व अनुश्रवण समिति की दूसरे दिन की बैठक आयोजित की गई। वहीं आयोजित इस दिशा की बैठक में नगर विधायक संजय सरावगी, विधायक जीवेश मिश्रा, विधायक विनय चौधरी, विधायक मिश्रीलाल यादव, विधायक मुरारी मोहन झा, दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त सह प्रभारी उप विकास आयुक्त कुमार गौरव, अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा चंद्रमा आत्री, अपर समर्था दरभंगा राजेश झा राजा सहित अन्य कई पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए। वहीं आयोजित इस बैठक में सरकार प्रायोजित कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर चर्चा की गई। वहीं सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कई दिशा निर्देश भी दिए। मंगलवार को चुनाव प्रशिक्षण केंद्र प्लस टू जिला स्कूल लहरियासराय में सैकड़ों चुनाव कर्मियों का प्रशिक्षण दो शिफ्ट में प्रारंभ हो चुका है। दरभंगा जिला के कई प्रखंड में 25 मई 2023 को पंचायत उपचुनाव होगा, जिसे लेकर चुनाव कार्यों में लगाए जाने वाले कर्मियों को अब चुनाव प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, CIO और VO का प्रशिक्षण दिया गया। इसमें बताया गया कि किस तरह से EVM मशीन में कनेक्शन करना है और किस तरह से बैटरी लगाना है, साथ ही मॉक पोल किस तरह से करना है, इन तमाम बातों को विस्तार से एक्सपर्ट के द्वारा बताया गया। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार यह चुनाव प्रशिक्षण 16 मई 2023 से प्रारंभ होकर 20 मई 2023 तक चलेगा। चुनाव प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में हमने कई मास्टर ट्रेनर से बात किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं।
दरभंगा एसएसपी के सोमवार को उनके कार्यालय में दरभंगा के कई थानों से संबंधित समस्या को लेकर के करीब 45 आवेदक पहुंचे। सभी आवेदकों ने अपनी अपनी समस्या के लिए एसएसपी से गुहार लगाई। सबसे ज़्यादा जमीनी विवाद को लेकर फरियादी पहुंचे थे। दरभंगा एसएसपी ने जमीनी विवाद के लिए सक्षम न्यायालय में जाने या शनिवार को सीओ और थाना प्रभारी से मिलकर शिकायत दूर करने का बिरौल अनुमंडल मुख्यालय स्थित बिरौल नगर पंचायत एवं घनश्यामपुर नगर पंचायत से विभिन्न पदों के लिए नामांकन के छठे दिन सोमवार को 44 अभ्यर्थियों ने नामजदगी का पर्चा भरा, जिसमें बिरौल नगर पंचायत से 15 अभ्यर्थियों में मुख्य पार्षद पद के लिए 2 तबरेज आलम एवं जीवच मोमिन तथा वार्ड पार्षद पद के लिए 13 अभ्यर्थी, इसमें वार्ड 1 से विनोद चौपाल, राजेश कुमार पासवान, सचिन कुमार कारी खातून, मनोज कुमार प्रसाद, सीताराम साहू, बुधन सहनी, संजय शाह, अशरफ फातमी, आसो देवी, राज नारायण मुखिया, मिथिलेश सहनी एवं मोहम्मद शब्बीर अंसारी शामिल हैं। वह उप मुख्य पार्षद पद के लिए नामांकन शून्य रहा। जो भी बेरोजगार लोग हैं उनके लिए और जो जितना भी बन पाए गरीब से गरीब लोगों के लिए जो सुविधा होना चाहिए वो पहुँच रहे हैं, जिन लोगों को हमेशा उनको अधिकार मिल रहा है। बिरौल नगर पंचायत से नामांकन किए, किस पद के लिए? जीतने के बाद आपके प्राथमिकता क्या रहेगी? पूरे नगर पंचायत में विकास अच्छा हो। सोमवार को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में सांसद गोपाल जी ठाकुर की अध्यक्षता में दिशा जिला विकास समन्वय व अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। वहीं आयोजित इस दिशा की बैठक में मधुबनी के सांसद अशोक यादव, दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन, नगर विधायक संजय सरावगी, विधायक जीवेश मिश्रा, विधायक विनय चौधरी, विधायक मिश्रीलाल यादव, विधायक मुरारी मोहन झा, नगर निगम के नगर आयुक्त सह प्रभारी उप विकास आयुक्त कुमार गौरव, उप समर्था दरभंगा राजेश राजा, पूर्व विधायक अमरनाथ गामी, अन्य कई पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए। वहीं बैठक जैसे ही शुरू हुई, सर्वप्रथम बैठक की अध्यक्षता कर रहे दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर समेत आए हुए अन्य लोगों को भी पौधा देकर सम्मानित किया गया। वहीं बैठक के शुरुआती दौर में सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दरभंगा एयरपोर्ट एवं इसके विकास कार्यों को लेकर काफी गंभीरता दिखाते हुए वहां के यात्रियों से संबंधित स्थिति से अवगत होते हुए दिशा निर्देश दिए। अपने नियमानुकूल नियम से 3 महीना पर हम लोग करते आए हैं। कोरोना में कुछ हम लोग सफर किए, लेकिन सारे जिले के अधिकारी के साथ माननीय मधुबनी के हमारे सांसद डॉक्टर अशोक यादव जी और बगल के समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज जी और तमाम हमारे माननीय विधायक इस बैठक में शिरकत करते हैं। प्रखंड के प्रमुख, जिला परिषद के अध्यक्ष और यहां पर सारे विकास विषयों पर हम लोग चर्चा करते आए हैं। अभी सबसे महत्वपूर्ण विषय था जो दरभंगा में जितने आरओबी है उसमें भारत की सरकार ने राशि देने का काम किया और जो राज्य सरकार को राशि देनी थी वह भी हमारे आदरणीय नितिन गडकरी जी के राष्ट्रीय राजमार्ग के सीएसआर फंड से मिला है। संयोजक उमेश राय ने रेल मंत्री, भारत सरकार नई दिल्ली, अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, रेलवे मंत्रालय नई दिल्ली, महाप्रबंधक रेलवे हाजीपुर मंडल, रेल प्रबंधक समस्तीपुर, दरभंगा के सांसद सम्मानित गोपाल जी ठाकुर ने निम्नलिखित एक्सप्रेस ट्रेनों का लहरिया सराय रेलवे स्टेशन पर ठहराव का मांग करते हुए कहा कि लहरिया सराय रेलवे स्टेशन समस्तीपुर रेल मंडल का एक अति महत्वपूर्ण एवं सिविल स्टेशन है। यहां पुलिस महानिरीक्षक, दरभंगा पर क्षेत्र, दरभंगा परमंडलीय आयुक्त, दरभंगा का मुख्यालय सहित दरभंगा जिला के कई जिला स्तरीय कार्यालयों यथा समाहरणालय, जिला एवं सत्र न्यायालय तथा दरभंगा
चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के अलावा निर्माणाधीन एम्स अवस्थित है। इसके अलावा यहां कई विभाग के क्षेत्रीय एवं प्रक्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, जिसके कारण लहरिया सराय रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन 3,000 से 5,000 यात्रियों का रेल से आवागमन होता है। अधिकांश एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव लहरिया सराय रेलवे स्टेशन पर नहीं रहने के कारण इस स्टेशन के पोषक क्षेत्र के लगभग 13 लाख की आबादी के रेल यात्रियों को दरभंगा रेलवे जंक्शन जाकर ट्रेन पकड़ने एवं छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। अत्यधिक असुविधा के कारण बहुत यात्रियों को दिल्ली जैसे महत्वपूर्ण नगर जो देश की राजधानी है के लिए बस से यात्रा करने की विवशता होती है। लहरिया सराय दरभंगा कमिश्नरी का ये हॉट है और सारे पदाधिकारी यहीं पर हैं, चाहे कमिश्नर हो, डॉक्टर हो, आईजी हो, एसपी हो, डिस्ट्रिक्ट जज हो, डीएमसीएच को जाना हो या जो भी कार्यालय यहाँ पर है वो सारे कार्यालय यहीं पर है। आरटीडी का ऑफिस है और इसका स्टॉपेज जो है सो जो 13 ट्रेन है, ये दरभंगा और लहरिया से दो शहर है, दो शहर के दरभंगा तो जिला कहलाता है लेकिन इसका मुख्यालय है वो लहरिया शहर में। पहले ढेर सारी ट्रेनें रुकती थी लेकिन इधर 2020 में जो ट्रेनें बंद हो गई उसके बाद बहुत तेरी ट्रेनें रुकती ही नहीं। दरभंगा के नगर विधायक सामा श्यामा मंदिर न्यास समिति के संरक्षक संजय सरावकी तथा प्रोफेसर एसएम झा की अध्यक्षता एवं जिला पदाधिकारी सह सचिव राजीव रोशन की उपस्थिति में आयोजित मां श्यामा मंदिर न्यास समिति की बैठक में आम भक्तों की सुविधा हेतु मंदिर परिसर में लागत राशि पर श्यामा थाली की व्यवस्था करने का निर्णय लेते हुए इसके लिए न्यास की सदस्य मधुबाला सिन्हा को अधिकृत किया गया था। मधुबाला सिन्हा द्वारा अपने सहयोगियों के साथ इस निर्णय को मूर्त रूप देते हुए इसे प्रारंभ किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन संरक्षक सह विधायक संजय सरावगी तथा अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से किया। समन्वय कार्यक्रम आज से शुरू हुआ है और श्यामा माई का कृपा है, एकदम चलते रहेगा और निःशुल्क भी है, जो गरीब दुखिया ने उनके लिए भी है और जो है 25 रुपया रखा गया है तो 25 रुपया जो बाहर से आते हैं लोगों को व्यवस्था नहीं मिलती है उनके लिए रखा गया 25 रुपया शुल्क भोजन दिया जाएगा। बीरौल सुपौल डुमरी रोड स्थित जीवन हॉस्पिटल में सोमवार को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाई गई, जहां शिविर में दूरदराज आस पड़ोस से आए 100 से अधिक निसहाय गरीब मरीजों को चिकित्सक द्वारा निशुल्क इलाज किया गया। इसमें सर्दी खांसी जुकाम पेट की खराबी मधुमेह पेशाब में जलन पीलिया पेट में पथरी रीढ़ की हड्डी में दर्द गठिया तथा महिलाओं को गर्भाशय में सूजन अन्य कई बीमारी से ग्रसित मरीजों का इलाज किया गया, जहां चिकित्सक द्वारा मरीज को कई सलाह दी गई, वहीं गर्भवती महिलाओं को चिकित्सा परामर्श दी गई। अस्पताल प्रबंधक विजय कुमार ने बताया कि यह क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ है, जहां आज भी पैसे के अभाव में गरीब लोग अपना इलाज नहीं करा पाते हैं। अस्पताल मुख्यालय प्रबंधक द्वारा निर्णय लिया गया कि पैसे के अभाव में वैसे मरीजों को मरने नहीं देंगे जो पैसे के कारण इलाज के लिए लाचार एवं विवश हैं। उन्होंने बताया कि महीना के 1 तारीख एवं 15 तारीख को अस्पताल में लोगों को निःशुल्क इलाज किया जाएगा। ये जीवन हॉस्पिटल डुमरी रोड सुपौल बाजार के स्थित जीवन हॉस्पिटल जो है उसमें स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कि ये डॉक्टर द्वारा जो है कि शिविर का आयोजन किया गया। प्रत्येक महीने के 1 तारीख और 15 तारीख को जो है कि हम लोग गरीब से गरीब व्यक्ति जो हैं जो इलाज कराने में और सक्षम है इसके तहत जो है कि हम लोग आपस में विचार विमर्श करके इस जो है निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया, जिसके तहत जो है कि प्रत्येक महीने की 1 तारीख और 15 तारीख को जो है कि इसका गरीब से गरीब निस्सहाय व्यक्ति जो दूर दराज से जो भी व्यक्ति हो उसका इलाज मुफ्त में हो, जैसे कि ब्लड जांच, दवाएं और निःशुल्क डॉक्टर द्वारा जो भी होता है इसका इलाज मुफ्त में करेंगे। आप अस्पताल के हम अस्पताल के मैनेजर हुए। क्या नाम है आपका? मिस्टर विनय कुमार।
मिथिलांचल का प्रसिद्ध ऑर्थो एंड स्पाइन सेंटर, जहां हड्डी एवं नस के इलाज के साथ कूल्हे और जोड़ का होता है रिप्लेसमेंट, वो भी आधुनिक मशीनों के साथ। अब जीवन से निराश होने की जरूरत नहीं, मात्र एक घंटे में सफल ऑपरेशन के साथ आप चलना फिरना और दैनिक काम कर सकते हैं। तो अवश्य मिले डॉक्टर अमित कुमार ऑर्थोपेडिक सर्जन, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन पारस और वरिष्ठ रेजिडेंट हड्डी रोग विभाग DMCH। दुर्घटना से घायल हाथ पांव और शरीर के घायल अंग का सफल ऑपरेशन के लिए मिले डॉक्टर अमित कुमार, अरलपट्टी दोनार रोड, अरलपट्टी मछली हाट के नजदीक बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने।